नमस्कार दोस्तों, आज से इस चैनल पर सीटेट जूनियर लेवल साइंस की कक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिसमें हम पहले एनसीईआरटी बुक से क्लास वाइज थ्योरी पढ़ेंगे, जिसको हम 10 दिन में कवर कर लेंगे, जिससे आपकी थ्योरी तैयार हो जाएगी और क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से हैं जो इस थ्योरी से कवर हो जाएगा। अब हम क्लास 6 की एनसीईआरटी को आज पढ़ेंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी का। वो एनिमल होते हैं जो केवल प्लांट को खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं वो केवल प्लांट को खाते हैं, या प्लांट से बने प्रोडक्ट जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन सब चीजों को खाते हैं तो उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं काऊ हो गई, गोट हो गई, ये सब केवल प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं। कार्निवोर्स का मतलब होता है दोस्तों मांसाहारी। मांसाहारी वो होते हैं जो केवल एनिमल को खाते हैं, उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये केवल एनिमल को ही खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं लायन किसको खाता है, लायन जैसे हिरन उरन जो जंगल में रहते हैं उनको खा जाता है। ओमनीवोर्स किसे कहते हैं, ओमनीवोर्स वो होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं। ओमनीवोर्स का मतलब सर्वाहारी, सर्वाहारी का मतलब वो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम खुद ही हो गया ह्यूमन, ह्यूमन ओमनीवोरस है, ये प्लांट से बनी प्रोडक्ट भी खाता है, गेहूं खाएगा, चावल खाएगा, दाल भी खाएगा और मीट मछली भी खाता है, तो ह्यूमन ओमनीवोरस मतलब ये सर्वाहारी होता है। ऐसे डॉग भी, डॉग भी सर्वाहारी होता है, ये दोनों चीजें खाता है। अब हम दोस्तों आते हैं कि कुछ चीजें जो फूड आइटम में पाई जाती है। फूड में क्या पाया जाता है, फूड में हमारे कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि एक फूड आइटम है उसमें स्टार्च पाया जा रहा है या नहीं, तो उसे आप कैसे टेस्ट करोगे। मान लो ये कोई फूड सब्सटेंस आपने ले लिया, उसमें आप क्या डालेंगे, इसमें दे रहा है 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन, आयोडीन का आप सल्यूशन डालेंगे। जब आप फूड सब्सटेंस में 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सल्यूशन डालते हैं तो उसका कलर या तो ब्लू हो जाता है या ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब उस सब्सटेंस में क्या है, उस सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब वो फूड आइटम जो भी है हमने लिया है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अब हम प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे। मान लो आपको कोई फूड सब्सटेंस दिया, तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए आप वो फूड सब्सटेंस लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, उसको पीस लेंगे। क्रश करना मतलब उसको पीस लेना, उसको पीस लेंगे आप अच्छे से। फिर उसमें आप वाटर की मात्रा मिलाएंगे, वाटर मिलाने के बाद उसको सेक कर लेंगे, सेक कर लेंगे, जिससे इसका ये जो है सल्यूशन बन जाएगा। इस सल्यूशन में क्या होगा, फूड होगा और वाटर होगा। फूड किस फॉर्म में है, क्रश, क्रश कर लिया हमने, पीस लिया है। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें जो ड्रॉपर होता है उसकी सहायता से हम इसमें डालेंगे 2 ड्रॉप, किसका, 2 ड्रॉप सल्यूशन डालेंगे कॉपर सल्फेट का, और 10 ड्रॉप सोल्यूशन डालेंगे कास्टिक सोडा का। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है। कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH, तो हम उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालेंगे, 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा डालेंगे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से सेक करेंगे। अगर इसको सेक करने के बाद इसका कलर कैसा आ जाए, वॉयलेट, वॉयलेट कलर आ जाए, वॉयलेट कलर, इसका मतलब उस फूड सब्सटेंस में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। अब मान लो कोई आपको फूड सब्सटेंस दिया गया, पूछा गया कि इसमें फैट है या नहीं, आप कैसे पता लगाएंगे, तो इसको टेस्ट करने का सबसे सरल तरीका यह है दोस्तों कि
कि कोई आप एक पेपर लो, मान लो आपने एक पेपर लिया, ये एक पेपर है, इसमें उस फूड सब्सटेंस को रख दिया। रखने के बाद ये पेपर क्या हो जाएगा, ये पेपर इसमें ये फूड आइटम रख दिया, मान लो ये कोई भी फूड सब्सटेंस है उसको रखा, तो ये पेपर क्या हो जाता है, ये पेपर पूरी तरह हो जाता है गीला, गीला हो जाता है। फिर आप क्या करोगे, इसको धूप में सुखाओगे। धूप में सुखाने के बाद, क्योंकि फूड सब्सटेंस में कुछ वाटर भी प्रेजेंट रहता है, जब आप धूप में सुखाओगे तो इसमें से जो वाटर है वो सूख जाएगा, धूप में सूख जाएगा। इस पे बचेगा क्या, अगर इसमें फैट है तो इसमें एक पैचेज छोड़ जाएगा, फैट सब्सटेंस। तो इसका मतलब अगर पेपर पे धूप पे सुखाने के बाद कोई पैचेज रह जाता है, मतलब उस फूड सब्सटेंस में, मान लो ये पैचेज रह गया, मतलब उस फूड सब्सटेंस में क्या है, फैट प्रेजेंट है। तो दोस्तों ये टेस्ट हो गया कि आप कैसे पहचानोगे कि किस फूड सब्सटेंस में स्टार्च पाया जा रहा है, किस में प्रोटीन पाया जा रहा है और किस में फैट पाया जा रहा है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। दोस्तों हम सभी भोजन लेते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन ही हमारे शरीर को क्या देता है, एनर्जी देता है, एनर्जी देता है। इस भोजन में बहुत से न्यूट्रिएंट होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट, मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है और बहुत थोड़ी सी मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब भी पाए जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट का मतलब हो गया जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमारे फूड सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे लिए ऊर्जा का, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत है। इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है। मुख्य स्रोत क्यों बोला दोस्तों, मुख्य स्रोत इसलिए बोला क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन हम अपने फूड सब्सटेंस जो हम खाते हैं उसमें ज्यादातर मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इसलिए ये हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या होते हैं इसको आप याद कर लीजिएगा। ये सीटेट के लिए नहीं, बाकी अन्य एग्जाम के लिए भी जरूरी होता है कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या होते हैं। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स व्हीट है, राइस में भी पाया जाता है, बाजरे में, पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में, गन्ने में, पपाया हो गया, मिलन हो गया, मैंगो हो गया और मेज हो गया, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फैट, फैट के बारे में अभी हमने बताया दोस्तों, फैट से भी हमें क्या मिलती है, एनर्जी। लेकिन मुख्यतया हम एनर्जी के रूप में हमारे फूड आइटम में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए किस फूड सब्सटेंस से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो हमें फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, प्रति ग्राम फैट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, फैट के सोर्स क्या है दोस्तों, फैट का सोर्स होता है ग्राउंड नट होता है, तिल होता है, नट होता है और जितने भी ऑयल होते हैं, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे कोकोनट ऑयल हो, चाहे सोयाबीन ऑयल हो, सब में फैट पाया जाता है। प्रोटीन को क्या कहते हैं, प्रोटीन को दोस्तों एक दूसरा नाम भी देते हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। ये प्रोटीन को दूसरा नाम देते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, ये जरूरी होता है, नीडेड, ये जरूरी होता है हमारे ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर करने के लिए, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन जरूरी होता है।
दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों की प्रति ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो दोनों से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सबसे ज्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है, 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। दोस्तों अब आप प्रोटीन के सोर्स याद रखेंगे कि किन किन चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है। तो जितनी भी दालें हो गई, पी हो गया, सोयाबीन होता है, फिश हो गया, पनीर हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, बीन हो गया, मूंग, अभी मैंने बताया जितनी भी दालें होती हैं सब में प्रोटीन पाया जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन तो क्या होता है? वो सोयाबीन। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अभी मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स में कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट जो विटामिन होते हैं वो हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिजीज बीमारियों से बचाते हैं। अब विटामिन जो होता है दोस्तों ये दो कैटेगरी में आता है। इसमें फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं, फैट सोल्युबल विटामिन, और क्या होते हैं? वाटर सोल्युबल विटामिन। वाटर सोल्युबल विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी आता है, और फैट सोल्युबल में विटामिन में ए डी ई के, ये सब फैट सोल्युबल विटामिन है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ विटामिन में। तो जो विटामिन ए होता है दोस्तों ये जरूरी किसके लिए होता है? विटामिन ए जो होता है वो जरूरी होता है नीडेड, ये जरूरी होता है नीडेड फॉर कीपिंग स्किन एंड आई हेल्दी। मतलब ये हमारे स्किन और आई को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है। विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाता है दोस्तों? ये इम्पोर्टेंट है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस क्या हम कह सकते हैं, लॉस ऑफ विजन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विटामिन ए का सोर्स क्या होता है? विटामिन ए का जो सोर्स होता है मिल्क होता है, फिश ऑयल होता है, पपाया होता है, कैरेट होता है और मैंगो होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। एक और विटामिन आप याद रख लीजिए, विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी वजह से पेलाग्रा होता है। अब विटामिन बी के सोर्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी विटामिन है सबके सोर्स पूछे गए हैं, वीट, राइस और लीवर। विटामिन सी क्या काम करता है? विटामिन सी जो होता है ये हमारे शरीर को, बॉडी को फाइट करवाता है अगेंस्ट द डिजीज। अगर हमको कोई बीमारी हो गई है तो ये विटामिन सी हमारे शरीर को उससे लड़ने में मजबूती प्रदान करता है, फाइट करवाता है अगेंस्ट द डिजीज। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? तो हमें हो जाता है स्कर्बी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से हमको हो जाता है स्कर्बी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन सी के सोर्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके सोर्स होते हैं ऑरेंज, टोमेटो, गोवा, ग्रीन चिली, लीमन, अमला, या सरल भाषा में कह लो जितनी भी खट्टी चीजें हैं उसमें विटामिन सी जरूर पाया जाता है। अगर पूछा जाए रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या होता है? अमला। अमला जो होता है वो रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का। विटामिन डी क्या करता है दोस्तों? विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी को
कि यूज करो कैल्शियम को, कैसे यूज करना है कैल्शियम को, फॉर द बोन और टीथ के लिए। टीथ के लिए ये हेल्प करता है। इसका सोर्स क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी का सोर्स होता है फिश होता है, एग होता है, लीवर होता है, मिल्क होता है, बटर होता है। और अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अभी तक हमने बताया न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के बारे में, मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बता दिया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के बारे में बताया, और कुछ सब्सटेंस जो हमारे फूड आइटम में पाए जाते हैं, विटामिन, मिनरल्स। तो विटामिन की भी चर्चा हमने कर ली, अब हम मिनरल्स पे आते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो जरूरी होते हैं हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, जिससे हमारा शरीर जो है हेल्दी बना रहे। मतलब मिनरल जो होते हैं वो हमारे शरीर का गुड हेल्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब आते हैं आयोडीन पे। आयोडीन की कमी से ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से जो है दोस्तों वो गोइटर, या हम कह सकते हैं जिसे घेंघा रोग कहते हैं, वो हो जाता है आयोडीन की कमी से। जो हमारे नेक पे थायराइड ग्लैंड होती है वो स्वेल कर जाती है, उसी को कहते हैं वाइटर या घेंघा रोग। आयोडीन का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके सोर्स क्या है, इसके सोर्स जिंजर होता है, फिश होता है, पालक होता है, और नमक, जो आयोडीन युक्त नमक होता है। फास्फोरस, ये फास्फोरस के सोर्स क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि फास्फोरस के सोर्स क्या होते हैं। मिल्क होता है फास्फोरस का सोर्स, बनाना होता है, ग्रीन चिली होती है, वीट होता है, राइस होता है। आयरन दोस्तों हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। जब हमको एनीमिया हो जाएगा तो उस समय हमें बहुत वीकनेस फील होगा, इसलिए आयरन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सोर्स ऑफ आयरन क्या है, सेब होता है, पालक होता है, लीवर होता है। कैल्शियम पे अब हम आते हैं दोस्तों। कैल्शियम हमारे बोन और टीथ के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि कैल्शियम का सोर्स क्या होता है। कैल्शियम का सोर्स मिल्क होता है, एग होता है। दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी सोर्स बताए, चाहे वो विटामिन हो गया, चाहे वो मिनरल्स के कौन से सोर्स हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, और किस विटामिन और किस मिनरल की वजह से कौन सा रोग हो रहा है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब, इन सब के बारे में पढ़ा। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि जो मिनरल होते हैं, विटामिन होते हैं, वो हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट रहते हैं या नहीं रहते हैं, या कब वो नष्ट हो जाते हैं। अगर दोस्तों हम रिपीटेड बार बार चावल को या दाल को हम कई बार धुलते हैं, तो उसमें विटामिन और मिनरल जो प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाते हैं। तो दाल और चावल को बार बार नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि अगर हम बार बार धुलेंगे तो उसमें विटामिन और मिनरल जो प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाते हैं। विटामिन सी दोस्तों हमें, जब हम भोजन को पकाते हैं, अगर कोई भी भोजन है जिसमें विटामिन सी है, अगर हम उसको पकाते हैं तो वो हीट के द्वारा विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नोट 3 में, अगर कोई पर्सन है वो अपने भोजन में प्रोटीन बहुत लंबे समय तक नहीं ले रहा है, जितनी प्रोटीन उसको चाहिए, तो क्या होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसके फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, उसके बाल जो होते हैं सफेद हो जाते हैं, उसको स्किन की बीमारियां आ जाती हैं, उसको डायरिया भी हो सकता है। अगर प्रोटीन
और कार्बोहाइड्रेट उसके फूड में बहुत लंबे समय से नहीं है, लॉन्ग पीरियड से नहीं है उसके फूड में, लॉन्ग पीरियड से नहीं है उसके फूड में, पीरियड से नहीं है उसके फूड में, तो क्या होगा? उसकी जो ग्रोथ होगी वो कंप्लीटली स्टॉप, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी कंप्लीटली। अभी यहाँ पे बताया था प्रोटीन अगर लंबे समय तक नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों बहुत लंबे समय से फूड में नहीं है तो उसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगी। जो हमारी बॉडी होती है वो विटामिन डी का प्रिपेयर, हमारी बॉडी में प्रिपरेशन खुद ही होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब हमारी स्किन धूप में एक्सपोज होती है तो उसमें विटामिन डी बनता है। इस समय जो है दोस्तों विटामिन डी के इनसफिशियंट एक्सपोजर हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स जो होता है, अगर और डिटेल में आप जाना चाहें तो ये बच्चों में होता है। और जो ऑस्टियो मलेशिया होता है ये किस में होता है? ये एडल्ट में होता है। विटामिन डी की कमी से होता क्या है? जो हमारी बोन होती हैं वो क्या हो जाती हैं? बोन सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं। तो विटामिन डी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अभी तक हमने बताया कि हमारे फूड सब्सटेंस में क्या क्या पाया जाता है। तो हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फैट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, मिनरल पाए जाते हैं, कुछ फाइबर भी पाए जाते हैं। ये सब हमारे फूड में बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि किस फूड सब्सटेंस की कमी से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है। वो आपने अभी देखा कि विटामिन अगर नहीं होगा प्रॉपर मात्रा में हमारे फूड में तो उसकी वजह से कौन सा रोग हो जाएगा, मिनरल नहीं होगा तो उसकी वजह से कौन सा रोग हो जाएगा। तो इसलिए अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि ये ग्रोथ और हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि एक निश्चित मात्रा में, मतलब किस सब्सटेंस की कितनी मात्रा होनी चाहिए, वो सभी न्यूट्रिएंट हमारे डाइट में हो जो हमारे शरीर को जरूरत है। मतलब ना तो वो सब्सटेंस ज्यादा मात्रा में हो ना वो कम मात्रा में हो, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। मतलब हमारी डाइट में वो सभी न्यूट्रिएंट हो जो हमारी बॉडी को जरूरत है, और वो भी उचित मात्रा में। मतलब ना तो वो ज्यादा हो क्वांटिटी में और ना तो वो कम मात्रा में हो। अभी हमने बताया कि किसी भी फूड सब्सटेंस की हमारे शरीर में अगर कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है किसी भी न्यूट्रिएंट की बहुत लंबे समय तक, तो हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी बहुत जरूरी है जिससे हम बीमारियों से बच सकें। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है। अब हम कल पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। इसके बाद हम पार्ट थर्ड में एनसीईआरटी क्लास सिक्स कंप्लीट कर देंगे, साइंस का सिलेबस। तो आप कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको कोई डाउट या आपके दिमाग में कोई और चीज आ रही हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।